लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आपने कई लैंग्वेजेस सुनी होंगी, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है? हाँ, मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज है, स्पेसिफिक है, हाईली फॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम ढेर सारे सिंबल्स, पिक्चर्स, वर्ड्स, नंबर्स यूज करते हैं, वो बनती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। अब नंबर्स की जब हम बात करते हैं, वन टू ऐसे करके नाइन तक हम नंबर्स लिखते हैं, जीरो है हमारा, इन्हीं से बाकी कितने ही नंबर्स बन जाते हैं। ये पूरा नंबर सिस्टम हमारा एक अलग से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। फिर पैटर्न्स हैं, जब वन बोलते हैं, टू, टू का मतलब वन प्लस वन, एक पैटर्न हो गया, एक ऐड हो गया तो टू बन गया, ठीक है, टू में एक ऐड हुआ तो थ्री बन गया, एक पैटर्न है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, पैटर्न है, ठीक है। शेप्स है मैथमेटिक्स की एक और लैंग्वेज, कि हम इस तरह भी लिखते हैं, हमने खाली ऐसे लिख दिया तो आप मान के चलो कि थ्री साइडेड क्लोज फिगर है, इतना लंबा हम नहीं बोलेंगे, हम खाली ये तीन लाइनें ऐसे बना लेंगे, ट्रायंगल हो गया, हमने ऐसा बना दिया स्क्वायर हो गया, हमने ऐसा बना दिया रेक्टेंगल हो गया, हमने ऐसा बना दिया तो सर्कल हो गया। तो देखो कितनी ब्रीफ लैंग्वेज है, एकदम से कोई शेप बनाई उसके बारे में आप इतना सब सोच लेते हो एकदम से, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। सिंपल्स है, हमने ये कर दिया खाली तो आप समझ गए कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सीधे सीधे सिंबल्स हैं, ठीक है ना। हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें परसेंटेज निकालनी है, ऐसे ढेरों सिंबल्स हैं जिनको हम मैथ्स में यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो गया, है ना, वन नंबर इज अ एलिमेंट ऑफ फलाना सेट, तो हम फटाफट वो बना देते हैं। फॉर्मूले हैं, ढेर सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो एक और लैंग्वेज होगी मैथमेटिक्स की, फॉर्मूले हो गए, ये हमारे सिंबल्स हो गए, ये हमारी शेप्स हो गई, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। अब फॉर्मूले बोलते हो, आप बोलोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फटाफट आपने लिख लिया, चलो जी काम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है तो उसका अपना फॉर्मूला हो गया, एरिया निकालना अपना फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालना अपना फॉर्मूला, ढेर सारे फॉर्मूले। इस तरह हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स लिए तो उनके अलग, हमने सोचा कि हम ए बी सी जो है इनको लेंगे, कॉन्स्टेंट्स है नहीं जिनका, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो हम इसको फटाफट ए कभी बी लिख देते हैं, कभी सी लिख देते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, अभी हमें नोन नहीं है, निकालनी है, हम उनको वेरिएबल्स बोल देते हैं। वेरिएबल्स को मोस्टली हम एक्स वाई जेड करके डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह हमने अलग अलग मीन्स इंग्लिश के अल्फाबेट्स को भी ले लिया है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट समथिंग। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आई से लेकर एन तक हम जो है इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिख देते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ब्रीफ है, कंसाइज है। अब जैसे मैंने कहा कि सिक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, लंबी लाइन होगी ना, मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, ये लोग काम हो गया, ब्रीफ है, क्लियर है, प्रिसाइज है, तो ये फायदा है। मैं कहती हूं 5 इज लेस देन 10, क्या लिखूंगी, फौरन ये डाला, ये मेरा काम हो गया, जो भी 10 से लेस है नंबर, मैंने ये एक बीच में साइन डाला और मैंने अपनी बात कह दी, बहुत आसान है। मैंने कहा कि एक प्राइम नंबर्स का सेट है और 7 उसका एलिमेंट है, मैंने फौरन ये लिख दिया, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूं, ठीक है। मैंने कहा कि x की बात कर रही हूं
जिसमें एक एक्स का सेट है जिसमें एक्स प्राइम नंबर है और एक्स जो है वो 20 से कम भी है। ये पूरी बात इतना लंबी बात है, इसको करना आसान है करना कि हमने कर दिया। एक्स जिसकी मैं बात कर रही हूं उसकी कंडीशन क्या है, एक्स जो क्या है प्राइम नंबर है, तो एक्स इज अब इज प्राइम आर लेस देन 20, ये बात कर दी मैंने, ठीक है। तो इस तरह से प्रिसाइज है, ब्रीफ है, आसानी से हम अपनी बात कह देते हैं कम शब्दों में। ये मैथ्स की बातें हमें बच्चों को सिखानी है। कैसे सिखाएंगे, रोज उनको ऐसी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज देकर, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस देकर, ढेर सारी प्रैक्टिस देकर, ताकि बच्चे यूज्ड टू हो जाए मैथमेटिकल लैंग्वेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए, मैथमेटिकल टर्म्स को एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेप। ये आपके सामने है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्यों है, इससे अलग क्यों है, ये आपस में बच्चे डिस्कस करें, तभी वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। पिक्चर्स को समझें, एनालाइज करें, डिस्कस करें, ये सिंबल क्या है, कहाँ यूज होते हैं, रोज हम इसको यूज करेंगे, तभी बच्चे जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज से फेमिलराइज हो जाएंगे और उनको अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे।